नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पुलिस का एक टॉपिक लेके आए हैं जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नाम है नोटबंदी विमुद्रीकरण। जो भारत में नोटबंदी हुई है कितनी बार और क्या क्या जरूरी पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। इससे मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो इसी से ही आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैंने पहले ही लिख लिया है सब चीज़, तो आपको सिर्फ देखना ही है और इसको याद कर लेना है। तो नोटबंदी क्या होती है, तो पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है। पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करके नई मुद्रा को चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। सीधी सी बात है, जो पुरानी नोट है उसको बंद करके नई नोट चलाना उसको ही कहते हैं। तो मुद्रा के प्रकार आपने देखे होंगे किस किस टाइप के हैं हमारे पास। सिक्के भी हैं, नोट हैं और एक डिजिटल करेंसी जो हाल फिलहाल में ही आई है। तो आपको ये याद रखना है, सिक्के जो होते हैं 1 से 1,000 तक के मैक्सिमम छापे जा सकते हैं और 1 से 10,000 के नोट बनाए जा सकते हैं। और जो मुद्रा जारी करता है वो भारत सरकार आरबीआई करता है, भारत सरकार आरबीआई करता है। ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसको हम ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही उसी को ही पढ़ेंगे सिर्फ। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट निर्माण करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। सिर्फ आरबीआई ही नोट जारी कर सकता है। 1 रुपये पर किसके नोट, अब आपको कई बार पूछ लेते हैं नोटों पर साइन, ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है। मेन नोटबंदी पे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, 5-6 मिनट के बाद। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, वित्त सचिव के 1 रुपये। बाकी सभी नोटों पर जो होते हैं आरबीआई गवर्नर के नोट होते हैं, जैसे कि 100 का हो गया नोट, 500 का हो गया और भी कोई है। नोट पे जो कुल भाषा है वो 17 हैं, लेकिन जो पैनल पे भाषाएं हैं वो 15 हैं। भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हुई है स्वतंत्रता के बाद। एक हुई है 12 जनवरी 1946, 1,000 वह 10,000 के नोट बैंड हुए थे। और आगे चलते हैं हम, जो दूसरी बार हुई थी वो 16 जनवरी 1978। पहले तो आपको डेट याद करनी है कि पहली कब हुई थी, 12 जनवरी 1946 में हुई थी। दूसरी हुई थी 16 जनवरी 1978 को। तीसरी जो हुई थी 8 नवंबर 2016 को। इतना आपको सबसे पहले याद करना है। तो आप कुछ एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट ₹5 का था, जो कि 1938 में जारी हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1934 के तहत 1935 में हुई थी। जो 1934 का एक्ट था उसके तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1987 से गांधी जी की फ़ोटो, आपने फ़ोटो देखी होगी ना चश्मे के साथ गांधी जी, वो 1987 से हुआ है। जो ये आर का सिंबल है रुपए का, ये उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। किसने किया था, उदय कुमार ने डिज़ाइन करा था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, 2005 से जो है नोट पे छपाई, नोटों का वर्ष लिखा जाना शुरू है। जैसे कि आपने देखा होगा ये 2012, जैसे 2012 का नोट से कई 100 रुपये के नोट पे देखे होंगे आपने 2018-19 ऐसे लिखा था, तो वो 2005 से शुरू हुई है। अब देखिए, जो मेन चीज़ें हैं आपको याद करनी है, ये भी याद करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो इस पे है। ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलिए, भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, कुल जो है 3 बार हुआ है। और आज़ादी के बाद जो 2 बार हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो हुआ है 12 जनवरी 1946 को हुआ है, दूसरा जो है 16 जनवरी 1978 को हुआ है, तीसरा हुआ है 8 नवंबर 2016 को हुआ है। और जो मुद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1873 यूएसए अमेरिका से हुई थी। जो हमारा पहला नोटबंदी था वो कब हुआ था, 12 जनवरी 1946। उस समय के आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख।
सिर्फ आपको इतना ही याद करना है बस। सेकंड, 16 जनवरी 1978 को हुआ था जो नोटबंदी हुई थी, उस समय के जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, फिनेंस मिनिस्टर जो है एच एम पटेल थे, आरबीआई गवर्नर तो थे आईजी पटेल थे, वित्त सचिव जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, थर्ड जो हुआ था नोटबंदी 8 नवंबर 2016 जिसमें कि 500 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था मोदी जी द्वारा, तो उस समय के पीएम जो थे नरेंद्र मोदी थे, आरबीआई गवर्नर जो थे उर्जित पटेल थे, फिनेंस मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली थे, अरुण जेटली। एक अभी आपने देखा होगा जो 2000 के नए नोट चलाए गए थे उसको भी चलन से हटा दिया गया है। तो कब यह हटाया गया था, ये स्वच्छ नीति के तहत 1919 एक एक्ट बना है उसके तहत 30 सितंबर 2023 से ये नोट नहीं चलेंगे अब, ठीक है दोस्तों। और एक टॉपिक है जो विमुद्रीकरण, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इस पे हमें क्या हुआ, काली बाजारी गतिविधियां कम हुई है, काली मुद्रा कम हुई है, जाली मुद्रा की छपाई भी कम हुई, आतंकवादी जो आतंकवाद को पैसे वैसे मिल जाते थे अगर किसी के पास होंगे नोटबंदी के बाद वो भी बेकार हो जाएंगे, इससे बैंकों को भारी लाभ हुआ क्योंकि उनके बैंकों में ज़्यादा पैसे जमा हो गए, देश को डिजिटल भुगतान चुनने के लिए प्रेरित किया, ये भी है, जब नोट रही थे तो लोग ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा करते थे और अभी भी करते हैं। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है तो नकदी में कमी, मतलब कैश पैसे जल्दी नहीं मिलते थे, आर्थिक मंदी भी कमी आ गई थी, नौकरियों की हानि हो गई थी, नौकरियों की हानि हो गई थी। तो दोस्तों ये हमने ये आपको देखा है, तो मेन चीज़ ये आपको याद कर लेना, यहीं से ही आपको यहीं से ही एक भी क्वेश्चन फंस जाएंगे, ये पूछ सकता है पहले जो नोटबंदी हुई थी उसमें कौन कौन से नोट, जो पहली वाली नोटबंदी थी वो 1000 और 10000 के नोट बैन हुए थे, ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी नोटबंदी थी उसमें 5000 और दूसरी नोटबंदी थी उसमें 5000 और 10000 के नोट बैन हुए थे, और जो तीसरी नोटबंदी थी वो 5000 और 10000, सॉरी दोस्तों, 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे, तो तीसरी नोटबंदी हुई थी उसमें 500 1000 के नोट बंद हुए थे। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, आरबीआई, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में, आप इनको एक बार ध्यान से देखिएगा और जो इस वीडियो में दिखाए गए हैं आपको नोट्स इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका ये हो जाए। अभी तो वीडियो हमारी अच्छी नहीं बन पा रही है लेकिन हम इससे ही बेहतर एक एक टॉपिक बनाएंगे आपके लिए रोज़, अगर ये आपको समझ नहीं आता तो और भी आसान तरीके से बनाएंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। चलिए तो दोस्तों चलते हैं, फिर आप इनको पढ़ लीजिएगा, थैंक यू, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे आपको जीएस की ज़्यादातर वीडियो मिलेंगी और भी यूपी पुलिस से इम्पोर्टेंट मिलेंगी, मैंने जितना भी आपको दिखाया है इसमें से कम आपको एक क्वेश्चन का ही मिल जाएगा, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, गारंटीड है इसी में से ही मिल जाएगा आपको, थैंक यू।